छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मलेरिया के प्रकोप जारी है। मलेरिया ले अब तक एक दर्जन लोगन के जान जा चुके हैं। उन्हें ये मामला में राजनीति भी अब शुरू हो गए है। मलेरिया ला लेके उप मुख्यमंत्री अरुण सावह की ने कि कांग्रेस डायरिया के नाम में राजनीति करत है। प्रशासन ने मामला में पूरी तरह सजग है। उन्हें दूसर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाँ की ने कि प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरते जाते, सरकार के द्वारा एमनला मुआवजा नहीं दिए जाते, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। देखिए, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे देखा हमने बलौदा बाजार की घटना में स्वयं उपस्थित होकर राजनीति की। अब डायरिया के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। सरकार सजग है और लगातार शुरू से हम लोगों ने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसमी बीमारी के बचाव हेतु पूर्व से तैयारी करें, लेकिन ये मौसमी बीमारी आई है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उप मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, उन परिवारों से मिले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है। स्टाफ भी नहीं है और जो अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि बरसात होने के बाद नीचे बारिश में उल्टी दस्त शिकायतें होती है और पिछले 5 सालों में इस प्रकार शिकायतें नहीं होती थी। लेकिन अभी कवर्धा ज़िले में मई महीने के आखिरी सप्ताह में जहाँ देहांडी और कोलारी जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग उसमें एडमिट हुए थे, उस समय भी मैं देखने आया था। यहाँ अभी आया तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक तो ऐसे कि जो महिला ख़त्म हुई थी, गोद में बच्ची थी, अब उसके पास जीको पार्जन कुछ भी नहीं है। अब वो आदमी मजदूरी करे कि बच्चे को पाले, ये स्थिति यहाँ है बनी हुई। और ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।